सो नाउ वी आर डूइंग द लास्ट रील फॉर द डे. ये रेडी हो चुका है पूरा शादी वादी करने के लिए. शादी क्या में शेरवानी पहनते हैं. तो अभी मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो आई हैव ऑर्डर्ड माय फेवरेट थिंग ब्लैक कॉफी. 42 मिनट्स 59 सेकंड्स. जब तक मेरा ये वाला वीडियो रेंडर हो रहा है अपन नया व्लॉग शुरू करते हैं. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज है ना मेरा ऑनेस्टली कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं. आज अपने को बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है तो मैंने बोला यार व्लॉग कर ही लेते, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते, बिकॉज Why not? It is exactly 12 PM right now. और अगर कल आप लोग मेरे को बोलते ना ये टाइम पे एक्जैक्टली इतना अच्छा वेदर था, पूरा क्लाउड ऐसा ग्लूमी हो गया था, थोड़ी छोटी छोटी बारिश भी आ रही थी, पर आज देखो क्या है, ये क्या है, एक 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 बादल नहीं है यार, दिल दुख रहा है मेरा. तो आज है ट्यूसडे एंड एग्जैक्टली एक घंटे में आई हैव टू गो टू द बिग ब्रेन को ऑफिस बिकॉज आज मेरा शूट है. तो मैं सोचा कि यार बहुत लोग मेरे को पूछते हैं अमन BTS दिखा बिग ब्रेन जब तू शूट करने जाता है, तो यार आज प्रॉपर व्लॉग बना ही देते हैं. परसों हम लोग कहीं पे तो जा रहे हैं हम सारे मिलके, कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, बट बड़ा मजा आने वाला है तो वेट करो थोड़ा. और अभी मैं फटाफट चेंज वगैरह करता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है क्योंकि इट इज 12 ऑलरेडी. सिंस आई बॉट अ न्यू माइक फॉर माय स्टोरी टाइम वीडियोस, मैंने क्या सोचा कि मेरा ये जो कंडेंसर वाला माइक है इसको मैं बेच देता हूँ. तो अपने एक दोस्त है हु इज रेडी टू बाय इट क्योंकि उसको बहुत ज्यादा काम आएगा ये सब. और वो अभी का अभी दादर आ रहा है, मतलब अगले 15-20 मिनट में वो दादर पहुंचेगा. मेरे को पहले अभी दादर जाना है, वहां से मुझे बिग्रेन को के ऑफिस में जाना है और मुझे खाना भी खाना है, मुझे ये वाला मेरा वीडियो भी अपलोड करना है, इससे अप्रूवल भी कराना है, ये सब कुछ मुझे अगले एक घंटे में करना है. तो मैं कैसे करने वाला हूँ, नहीं होगा, मेरे से होगा ही नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो लेट जाने ही वाला. जब आपको सबसे ज्यादा लेट होता है ना तभी साला सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी होता है. वेरी नाइस, ये अपना सामान रख दिया है, वो सिग्नल चालू हो गया. आई मीन दादर राइट नाउ और मैं खड़े खड़े फोन पे बात कर रहा था, पीछे से मुझे किसी ने बुलाया, मुझे लगा पता नहीं कोई होगा, अरे फोन हवा में उड़ रहा है, मुझे लगा कोई होगा हमारे फैंस वगैरह, लेकिन कौन है ये? मेरा नाम अरमान है, मैं अमन को मिला था जो मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे एंड मैं अमन से उसका माइक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे माइक की जरूरत थी एंड मेरे 2 साल पहले मंगाया था, दर्द हो रहा है इसको मैं बाय बोल रहा हूँ, बट बोलना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में अपग्रेड करना है. अबे जल्दी चाहे कितने भी सच सवर के घर से निकलो, ये बॉम्बे का जो वेदर है ना ये मार. सो जस्ट रीच द बिग ब्रेन को ऑफिस और यहाँ से बादल कितने अच्छे दिख रहे हैं दिखाओ. तो वी आर इन द ऑफिस और देखो सबसे पहले हम किसको मिलते हैं, ध्वनि, हाउ आर यू? हम लोग क्या है कंटेंट क्रिएटर्स है, हम लोग ऐसा मीटिंग वगैरह होता नहीं, बड़े लोग मीटिंग वगैरह करते रहते हैं. सो दिस इज आवर स्टूडियो, द वेरी फेमस स्टूडियो एंड देखो देखो वो आ गया. कितने महीने बाद दिख रहा है भाई तू मेरे को, कैसा है? ना मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त. फर्स्ट टाइम इन अमन्स व्लॉग. ओह माय गॉड, फाइनली. ओह माय गॉड, फीचर हो रहा हूं. ओह माय गॉड, गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. हां अभी कर लो, तुम कर लो. नाउ आई विल बी फेमस जस्ट बिकॉज़ आई एम इन अमन्स व्लॉग. अब मतलब मेरे व्लॉग में तू आया क्योंकि तुझे फेमस होना है. मतलब आज के टाइम पे तुम इतने फेमस हो ना कि अब मैं क्या करूं. अभी मुझे है ना सरगाजम, ऐसा बदबू आ रही है सरगाजम की बहुत ज्यादा. लाइट्स वगैरह लग चुकी है, कैमरा सेट हो चुका है, बस थोड़े बहुत थोड़े फाइनल टचअप्स कर रहे हैं प्रभु जी और उसके बाद यहाँ बैठ के हमको बड़बड़ करना. दिस इज द होल बिग ब्रेन को का सेटअप जो आप देखते हो मेरे वीडियो. दिस इज द बिहाइंड द सीन द BTS और ये जो फ्रेम है ये मेरा पर्सनल फेवरेट फ्रेम है यार. अपने को ये साइड पे भी कभी करना चाहिए बता शूट, मुझे इतना सुकून मिल रहा है अभी AC में आके. आ जा मेरे ऊपर आ जा. तो इस जुगाड़ से हम रेड करते हैं बैकग्राउंड पे. नाइस जुगाड़. ओ हो प्रॉपर सेटअप हो गया है एंड दिस इज व्हाट द फ्रेम इज गोइंग टू लुक लाइक. और आज का जो टॉपिक है अभी मैं ऑब्वियसली बता नहीं सकता लेकिन इट इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डन एंड वो बहुत ही सही रहेगा. हेलो माइक चेक, हेलो 1 2 3. हेलो माइक चेक, हेलो 1 2 3. प्रभु मेरी आवाज आ रही है आपको एकदम क्लियरली आ रही है डायरेक्टली कानों के अंदर, डायरेक्ट कान में. तो अभी मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो आई हैव ऑर्डर्ड माय फेवरेट थिंग ब्लैक कॉफी. सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट स्क्रिप्ट. और जैसे ये स्क्रिप्ट खत्म हुई कार्ड खत्म हो गया भाई, मतलब कार्ड का मेमोरी खत्म. बच गए भाई, बच गए वरना ये ट्रांसफर करता फिर मैं वापस आता इधर बैठता स्क्रिप्ट कंटिन्यू करता, कल हम फिर घर पहुंचते.
देखिए सेलिब्रिटी यहाँ मुझे दिख रहे हैं सर, आपका जरा ऑटोग्राफ चाहिए था मुझे। मुझे मेरे दिल पे चाहिए। अब मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता, मुझे कोई अपने टी-शर्ट कोई दूसरी जगह चाहिए, अब मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता। नहीं यार वो सब काम हम नहीं करते, नहीं करते। रणवीर से पूछ, कर दो ना मेरे लिए, मेरे लिए कर दो। अच्छा परसों कर लेना बस, परसों तो रणवीर आएगा तो रणवीर से देखना वो वहाँ कहाँ कहाँ क्या करते। नहीं नहीं कट कट ये सब नहीं, मैं नहीं करता। सो इट्स अ ब्रेक एंड आई, सो वी टुक अ स्मॉल 15-20 मिनट्स ब्रेक बिकॉज ऑब्वियसली चाहिए इतना हेक्टिक शूट के बाद। एंड आई हैव कम डाउन एंड बॉस इट इज बर्निंग इन मुंबई भाई, चल रहा है। ऊपर से जब तुम एसी से डायरेक्ट आते हो ना तो ज्यादा जल। मेरे चैनल पे एक नया सेगमेंट मैं शुरू करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स विद नोवा एके दीपांशु राज। तो मेरा पहला सवाल आपको ये है, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है? जब लाइफ ही नहीं है तो लव कहाँ से आएगा उसमें। और कोई सवाल, और कोई सवाल प्रभु? अनअकैडमी से कितना कमा लेते हो बताओ बताओ। पैसों का क्या यार, आज है कल नहीं है परसों फिर है। गांधी से फर्क नहीं पड़ता, गांधी से पड़ता है। अच्छा और कोई सवाल है जो आपके दिल का, कोई सवाल जो आपको पूछना है? दिल का सवाल दिल में रहने दो तो अच्छा है। सो दिस इज द बैकग्राउंड फॉर द सेकंड वीडियो। और क्या लाइट लग रही है यार, क्या लाइट लग रही है। मैंने काम किया यार। अरे सर तुम सर प्रो हो, प्रो सर थोड़ा टिप्स दो हमको भी। नहीं नहीं मेरे को हायर करो। अच्छा ठीक है, पैसे का तो पैसे नहीं, सॉरी आई डोंट हैव, आई नो मनी। यूट्यूब से इतना कमाता है नहीं ये। यूट्यूब है ना ऐसा, इतना 50 पैसा देता है हम लोग को यूट्यूब का। क्या झूठ बोल रहे हो अपनी ऑडियंस से यार। सच है भाई, सच ये सब एडिट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा एडिट, बट ये सच है कि हमको नहीं मिलते पैसे। मेरे को अभी ना कैमरा जब बंद था ना तब YouTube की एड रेवेन्यू दिखाई, मैं उधर देख के शॉक हो गया, फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपना YouTube चैनल। अब यहाँ मुझे कट करना। मुझे इस लड़के ने कहा था कि इसकी लाइफ नहीं है और अभी देखो ये आगे कंटेंट ले रहे हैं, ये रेडी हो चुका है पूरा शादी वादी करने के लिए। शादी क्या में शेरवानी पहनते हैं? अभी तुमने बोला शादी में ये कपड़े पहनते हैं, लास्ट रील फॉर द डे भाई। क्या टाइम हो गया, 7:30 एक बजे आया था मैं, एंड ये अपना लास्ट अभी ब्लैक फ्रेम पे होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रील है, आएगा वेरी सून।